हरे कृष्णा, अभी तक हमने बताया कि वृंदावन में कौन कौन रह सकता है और कैसे रह सकता है। आज हम बताएंगे कि वृंदावन में कौन कौन नहीं रह सकता और किस किस को नहीं रहना चाहिए। हम आप सोच रहे होंगे, अच्छा तुम लोग डीसी लगे हो जो हमें बताओगे कि कौन आकर रह सकता है और कौन नहीं। वेल, जो भी हम बताने वाले हैं वो हमारी खुद की सोच नहीं है। वृंदावन में आने से पहले हमारा भी यही हाल था। हमने वृंदावन के ऊपर बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। हमारे सीनियर डिवोटी से इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। उदाहरण के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि वृंदावन में अगर आप एक माला जाप करेंगे या कोई भी कृष्णा के प्लेजर के लिए सेवा करेंगे तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। यानी एक माला मतलब 1000 माला, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अब आप सबको बहुत सारी खुशी हो रही होगी ना कि एक माला करूं और 1000 माला का फल पालूं वृंदावन में आकर। लेकिन एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। द डाउन साइड एंड द डाउन साइड इज, अगर आप वृंदावन में छोटा सा भी अपराध करो, अपराध मतलब जिससे कृष्णा और कृष्ण के भक्तों के दिल को ठेस पहुंचे, तो वो एक किए हुए अपराध का फल भी आपको 1000 गुना मिलेगा। हो गए कान सुन, हमारे भी हुए थे। हम भी दुविधा में थे कि जाएं या ना जाएं। हमने अपने गुरु महाराज से पूछा, अपने शिक्षा गुरु से भी गाइडेंस ली, पर पता नहीं कितनी बारी हाँ ना में फ्लक्चुएट होता रहा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तुम लोग हमें डरा रहे हो या इंकरेज कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? Well, हम सिर्फ इतना चाहते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। यहाँ आकर रहना सिंपल है भी और नहीं भी। भला हम कौन होते हैं आपको ये बताने वाले कि आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं या नहीं? So based on many different authentic experiences and information, we are sharing this. So back to the point, वृंदावन में कौन कौन नहीं रह सकता? Question number 1, मैं चैंटिंग या जाप कर ही नहीं पाता, मन नहीं लगता, पर मैं राधा कृष्ण की सेवा करने वृंदावन आकर रहना चाहता हूँ। I'm sure इसका आंसर आपको पता ही होगा, आप नहीं आ सकते। कलयुग केवल नाम आधार, हरेर नाम एव केवलम। हाँ, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो शुरुआत में किसी को कड़वी लग सकती है, मगर इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता है ही नहीं भक्ति मार्ग में चलने के लिए। श्रील प्रभुपाद भी हमेशा बोलते थे अपने शिष्यों को कि मंदिर में कोई भी सेवा करने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट सेवा करनी है, 16 माला का जाप। अब आप सोचिए, अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट सेवा नहीं कर रहे हैं जो कि कलयुग से उद्धार पाने का केवल एकमात्र साधन है, तो आप कोई भी सेवा कीजिए, शास्त्रों के सिद्धांत के हिसाब से उसका कोई भी मूल्य नहीं है। Question number 2, मैं अकेली लड़की हूँ, भक्ति करना चाहती हूँ, मेरे घर में कोई भी भक्त नहीं है, मैं सबको छोड़ छाड़ के वृंदावन आना चाहती हूँ। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको समझाने के लिए भी आपको कुछ समय चाहिए। जब भक्ति को हम पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, किस सिचुएशन में हो और किन लोगों के साथ में हो, और जिन लोगों के साथ आप हो भी, आपका केवल एकमात्र उद्देश्य बन जाएगा कि उनको भी भक्त बनाया जाए, क्योंकि भक्त का हृदय करुणामय होता है। हालांकि हमें उस स्टेज पे पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, पर फिलहाल हम आपको यही कहना चाहेंगे कि कृष्ण से रिश्ता जोड़ने के लिए आपको अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ने की तो डेफिनेटली जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये आपका कर्तव्य बनता है कि अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी आप कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ें, और ये तभी संभव है कि जब आप अपने परिवार के साथ रहकर भक्ति करें, और ये जरूरी नहीं कि आपको फोर्स करना है भक्ति के लिए। आचार और प्रचार, आपका आचरण, आपका बिहेवियर देखकर ही प्रचार होगा और वो खुद ब खुद भक्ति में आ जाएंगे। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है और थोड़ा एफर्ट करना है और आप फिर वृंदावन में हमेशा रह पाएंगे। So especially for girls, you are very special and precious. And only you can make a difference by being there with your family. Question number 3, हम दोनों initiated हैं। मेरे प्रभु जी बहुत अच्छी जॉब भी करते हैं। मगर मेरा बड़ा मन करता है वृंदावन में सेटल होने का। लेकिन मेरे प्रभु जी नहीं मान रहे। अगर आप initiated हैं, That means आप किसी temple से connected हैं। That also means कि आप उस temple में आने वाले devotees के संघ में भी हैं। एंड कृष्णा की सेवा भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पर अपने आसपास की न जाने कितनी फैमिलीज को आप कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन आपके पास ही लाकर बसा दिया है, जहाँ पर ठाकुर जी भी हैं, उनके भक्त भी हैं, जिनकी आप सेवा भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आप वो भक्ति का रस आस्वादन करा सकते हैं जो आप खुद ले रहे हैं। हम आपको वृंदावन आने से नहीं रोक रहे हैं और ना ही रोक सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से सोचिए कि आपको सच में वृंदावन धाम आने की जरूरत है? आप तो ऑलरेडी वहीं पर हैं। Question number 4, भक्ति में प्रोग्रेस करना है इसलिए वृंदावन आना है। Well, इसकी बजाय आपको ये कहना चाहिए कि भक्ति में प्रोग्रेस करना है इसके लिए
शुद्ध भक्तों का संग पाना है। हमने पहले ही अपनी वीडियोस में कहा था कि अगर आपको भक्तों का संग नहीं मिल रहा है तब आप वृंदावन आ सकते हैं। बट ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर आपको भक्तों का संग ना प्राप्त हो। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। आज की डेट में दुनिया के हर देश में, हर शहर में इस्कॉन मंदिर है जहाँ पर भक्ति मार्ग के बारे में बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है। यूथ प्रोग्राम्स होते हैं, गृहस्थाज के लिए प्रोग्राम्स हैं, गर्ल्स बॉयज इवन बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स होते हैं। भक्ति के मार्ग के बारे में सिस्टमेटिकली गाइड किया जाता है। थोड़ा सा प्रयास करना होगा, लेकिन इच्छा आ गई है तो प्रयास भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दीन दुनिया से तंग आ गया हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आराम से धाम में रहना चाहता हूँ। आप धाम में रहना चाहते हैं जहाँ कंस जैसे राक्षस भी जन्म ले चुके हैं। उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया था? क्या एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा? हम कलयुग में रह रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन, इल्यूजन, डिसऑनेस्टी, धोखाधड़ी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कलयुग। अगर आप इससे बचने के लिए वृंदावन आ रहे हैं तो माइंड इट, ये आपका यहाँ भी स्वागत करेंगे क्योंकि ये यहाँ भी है। देखिए, अगर हम पंकु की बात करें तो वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर पूरी होती हैं। जैसे फैमिली, उसकी सारी फैमिली यहीं पे रहती है, उसकी सारी फैमिली यहाँ रहती है, इनफैक्ट उसके इन-लॉज भी यहीं पर रहते हैं। उसे पैसे ज्यादा ना कमाते हुए सिंपल लाइफ जीनी थी जिसमें घर का गुजारा भी हो जाए, फैमिली को टाइम दे सके और अपने आप को भी टाइम दे सके, जिसे बोलते हैं सेल्फ नरिशमेंट जो मिलता है भक्ति से। मुंबई में अकेले रहकर सुबह से लेकर रात तक जॉब के चक्कर में फंसकर ना फैमिली के लिए टाइम मिल रहा था और ना ही भक्ति के लिए, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया। हरे कृष्णा, मैं हूँ पंकू, आपने मेरे को लास्ट वीडियो में तो देखा ही होगा। अभी मैं आपको मिला था अपनी फैमिली से, जल्दी से जल्दी। ये है मेरी धर्म पत्नी लक्ष्मी, हरि बोल। और ये है मेरी डॉटर जानवी, अरे अभी कहाँ गई, अभी तो यही थी। ये मैं बाल गोपाल। आप इसकी वीडियो तो देखी होंगे बाल गोपाल पे, नहीं देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। अभी आते हैं पॉइंट पे कि हम वृंदावन में क्यों आए। ऑनेस्टली बोलूं तो मेरी वृंदावन से पहले से काफी अटैचमेंट रही है। जब कभी मैं पहले यहाँ पे आता था छुट्टियों के लिए, दिल करता था कि काश थोड़ा और रह पाता। भक्ति में काफी पीछे चल रहा था, इनफैक्ट अभी भी चल रहा हूँ, पर थोड़ा इम्प्रूव किया पहले से, है ना लक्ष्मी? चक्कर तो ये है कि मैं अपनी वाइफ और छोटी बच्ची को टाइम नहीं दे पा रहा था, इवन अपने आप को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। पता ही नहीं लगता था मुंबई जैसे शहर में टाइम कैसे भाग जाता था। बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस इसी चक्कर में फंस के रह गया था मैं और मेरी फैमिली। हाँ, जैसे मुंबई की लाइफस्टाइल तो बहुत डिफिकल्ट होती है, सुबह जाते थे रात को आते थे, और हम जाकर भी इनसे टाइम नहीं मांग सकते थे क्योंकि ये खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, इतने बिजी रहते थे। तो सिर्फ पैसों से ही फैमिली नहीं चलती है। और एक बहुत बड़ा गिल्ट भी था मन में कि मेरे बूढ़े पेरेंट्स जो अभी वृंदावन में रह रहे हैं, बूढ़े नहीं मतलब 60+ जो यंग रहते हैं, तो उनको टाइम नहीं दे पा रहा था, उनके साथ नहीं रह पा रहा था पिछले काफी सालों से। मेरा परिवार बोले तो मेरे पेरेंट्स और लक्ष्मी के पेरेंट्स, उसके भाई और उसके मदर, वो भी सब वृंदावन में है, तो हमारे केस में तो पूरी की पूरी फैमिली वृंदावन में। हाँ, तो यही सब रीजन है जिसके वजह से हम वृंदावन आने का प्लान किए थे। एक्चुअली हमने किया था, मैंने, जानवी ने और दीदी ने, तो इनका भी मन था आने का, लेकिन 10 साल से एक ऑफिस में जॉब कर रहे थे और इतने सालों से वो जॉब कर रहे थे तो छोड़ने में थोड़ा गट्स भी चाहिए। तो हमने क्या किया, जानवी ने प्रे किया, मैंने और बउआ ने जगन्नाथ जी से प्रे की। हाँ, जानवी ने और बउआ ने, बउआ यानी जानवी की बुआ नंदरानी। तो बोलते हैं ना कि प्रेयर्स इफेक्टिव होते हैं, तो ये मैंने इस बार पर्सनली फील किया। मतलब इन्होंने प्रेयर कर लिया और फिर नेक्स्ट डे ही प्रभु जी आए मेरे पास और बोलने लगे कि लक्ष्मी चल हम जाते वृंदावन। एंड आई वाज शॉक्ड, मैंने बोला क्या बोला प्रभु जी आपने, पक्का कि वृंदावन जाएंगे, पक्का? तो प्रभु जी बोले हाँ जाएंगे, चलो कुछ भी करेंगे बस रह लेंगे वृंदावन। और फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रेयर सच में इतने पावरफुल होते हैं अगर उसको अच्छे मूड से किया जाए तो। नो डाउट, मुंबई जैसे शहर में पैसा ज्यादा था, लेकिन इस बार मैंने अपनी फैमिली और भक्ति को प्रायोरिटी पे रखा, बाकी कृष्णा अपने आप देख लेंगे। हरी बोल, हरी बोल, जय जय श्री राधे, सबको मिले श्री वृंदावन।
हमारा अब तक का प्रयास ये था कि आपके सामने सारे पहलू लाकर रख दें और आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोच समझ कर अपने सीनियर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। ये वीडियो देखने से पहले आपको लग रहा होगा कि हम महाद्वाज की रेडी के बारे में कुछ अपडेट देने वाले हैं। वेल, उसके बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। महाद्वाज की रेडी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि जिसमें दुनिया के कोने कोने से लोग जुड़े हैं और हर तरह से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कृष्णा को अपनी लाइफ के सेंटर में रख सके। वही कोशिश हमारी भी है। हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम कोशिश करेंगे आप सभी के लिए रहने का ठिकाना ढूंढने की। हरी बोल।